कैसे क्या चल रहा है सर, मजबूरी के हालात में जी रहे हैं और कैसे चलेगा सर? ये हम लोग दुकान बैठ के रखे हैं, बच्चे के खिलाना है, कहाँ से खिलाएं? उनके नज़र में तो यही है सर कि मुस्लिम लोग जो है हमारे अगेंस्ट में, हमें वोट नहीं देते। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, इन सभी नामों से हमारे देश को जाना जाता है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। जब आप इन सभी को जोड़ देंगे और इज इक्वल टू करेंगे तो कह सकते हैं नहीं बल्कि कहा जाता है कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष देश है। अंग्रेजी में एक शब्द कहा जाता है सेकुलरिज्म। सेकुलरिज्म वो यानी कि जिस देश में हर धर्म जाति के लोग यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी हर कोई रह रहा हो। तो हिंदुस्तान धर्म निरपेक्ष देश है। इस वक्त नवरात्र का महीना चल रहा है, साथ में रमज़ान का भी महीना चल रहा है, मगर आप जो पीछे हमारे तस्वीरें देख रहे होंगे ये दुकानें सारी बंद हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हिंदू का त्यौहार नवरात्र चल रहा है और इस दरमियान में ये सारी जो शॉप्स हैं ये मीट की हैं, चिकन की शॉप्स हैं, मटन्स की शॉप हैं, ये सारी बंद कर दी गई हैं क्योंकि सरकार ने बंद करने का आदेश दे रखा है, यानी कि चिकन मीट पर पाबंदी लगा रखी है, बैन कर रखा है। तो कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ में, इन लोगों से पूछेंगे कि हिंदुओं का त्यौहार चल रहा है, हिंदू इस वक्त में नहीं खाते मगर आपके धर्म के जो लोग खाते होंगे, क्या दिक्कत है, मतलब क्यों बैन किया गया है, ये चीज़ समझ में नहीं आती। दूसरी आपको एक चीज़ मैं दिखा दूँ कि ये सारी जितनी भी शॉप्स हैं वो नोएडा प्राधिकरण की ओर से लीगलाइज हैं। ये मेरे पास हाथ में कागज़ हैं जो इन लोगों ने मुझे दिए हैं, इसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि हमने फ्लैट नंबर 177 सेक्टर 62 का कब्ज़ा दिनांक 9/5/8 को ले लिया है, जिसका उपयोग मुर्गा मीट का दुकान हेतु किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि ये शॉप्स इलीगल हों या फिर अपनी मर्जी से खोल के चलाई जा रही हूँ, सारी नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा की ओर से लीगलाइज की हुई हैं। तो ज़रा इनके दिलों का हाल जानेंगे और पूछेंगे कि ये धर्म निरपेक्ष देश में रह रहे हैं तो ऐसा क्यों है कि हिंदू त्यौहार जब आता है तो इनके पेटों पर लात मार दी जाती है, इनकी दुकानें बंद कर दी जाती हैं। हालांकि हर धर्म के जाति के लोगों को अपना अधिकार होता है कि अपने अपने त्यौहार अपने तौर तरीके से मनाएं, अपना त्यौहार अपने जगह है भाई, मगर दूसरों की रोज़ी रोटी पर इस तरीके से पाबंदियां लगाना ये आखिर किस हद तक सही है, ये लोगों से इन लोगों से हालचाल जानेंगे। आपका नाम? मोहम्मद गुलाब। ठीक है, तो ये शॉप्स कब से बंद की गई? नवरात्रों के से एक दिन पहले से ही बंद है। अच्छा जी, तो मुझे ये बताइए क्या नवरात्र जब आती हैं तो आप खुद ब खुद बंद कर देते हैं या फिर सरकारी आदेश भी दिया गया है? आदेश नहीं, प्रशासन के लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि नवरात्रि में आदेश है ऊपर से, आप मार्केट बंद रखेंगे और मार्केट नॉन वेज की नहीं खुलेगी, किसी भी तरीके से नहीं खुलेगी, जबकि हमारी मार्केट नोएडा अथॉरिटी से की दी हुई है और सारी चीज़ें इसमें आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी आप देख भी सकते हैं। और रमज़ान का एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि नवरात्रे के त्यौहार है और उसके साथ साथ रमज़ान भी है, दोनों जो त्यौहार एक साथ है। और उसके बाद रमज़ान में बहुत सारे लोग जो है नॉनवेज के शौकीन होते हैं और सबसे बड़ी बात है खाने पीने की शौकीन हर कोई है, तो इस आधार पे नॉनवेज की दुकानें बंद नहीं होनी चाहिए। हाँ, इतना ज़रूर था कि पर्दे का एहतियात रखना चाहिए था, हमसे कहते कि भाई पर्दे का एहतियात रखो, कुछ लोग जो नहीं खाते उन्हें आपत्ति ना हो, हम उसका सहयोग करते हैं क्योंकि हम एक साथ मिलजुल के हिंदुस्तान, हमारे हर जाति हर धर्म से मिल के एक साथ मिल के तब वो हिंदुस्तान बना है। हम हर जगह हर तरीके से सहयोग करते आ रहे हैं, चाहे नवरात्रि हो, कोई सा भी त्यौहार हो, उस त्यौहार पर हम कदम से कदम प्रशासन के साथ मिला के चलते हैं ताकि हमसे कोई गलती कोई चूक ना हो जाए, किसी को हमारे वजह से किसी को ठेस ना पहुँचे। जी, आपने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद गुलाब बताया। गुलाब जी, ये बताइए अब आप लोग की कैसे चल रही है, अब आप लोग के दुकान बंद रह रहे हैं, कमाई का जरिया क्या? सर, हमारी कमाई तो छोड़िए, सबसे बड़ी बात ये है कि नोएडा अथॉरिटी की दी हुई है, रेंट की शॉप है, नोएडा अथॉरिटी अपनी रेंट नहीं छोड़ेगी हमसे, बिल्कुल वो रेंट लेगी। उसके बाद इस मार्केट से कितने स्टाफ जो काम करते हैं वो है, बहुत सारे लोग हैं, सबकी रोज़ी रोटी सबके व्यवसाय पर फ़र्क पड़ा है बहुत ज़्यादा। एक तो वैसे ही लोग कोरोना काल वगैरह से जो है आर्थिक से जूझ रहे, उसके बाद ऊपर से ये जो नवरात्रों में बंद होना ये लोगों के ऊपर, और इस महीने में ख़ास तौर से रमज़ान के पाक महीने में सबसे ज़्यादा खर्च होता है, लोग ज़्यादा बढ़ चढ़ के खर्च करते हैं, लोग अपने मतलब कि जो भी अपना उनका इनकम होता है उसका जो है वो लोगों पे दान करते हैं, खर्च करते हैं अपने सवाब के लिए ताकि हमें उसका पुण्य मिले।
तो जब लोग के पास रहेगा ही नहीं तो क्या देगा, इस्टेम आदमी के पास क्या बचा है। और हमारा तो ये कहना था सर 9 दिन क्या, हम तो 18 दिन बंद करने को तैयार है। साथ साथ सबसे बड़ी समस्या है शराब, शराब बंद हो हमें कह दे 1 महीने के लिए, हम 1 महीने के लिए बंद करने को तैयार है, लेकिन शराब क्यों नहीं बंद हो रही। शराब बंद नहीं हो रहा शराब, बल्कि आप दिल्ली में जाइए 25% की छूट मिल रही है, उस पर ऑफर मिल रहा है। आजकल तो गवर्नमेंट ये कर रही है कि भाई होम डिलीवरी करवा रही है। बातों से समझ में मुझे ये आता है कि हिंदुस्तान में मुझे लगता है कि भाई किसी एक धर्म के लोगों को, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको ज्यादा तवज्जो दिया जाता है और आपके धर्म को, हालांकि कहना मेरा ये सही है या नहीं है मुझे नहीं पता। कहा था अभी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, अभी जो दूसरी सरकार बनी है उनकी, उससे पहले सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से मुसलमान हमारे लिए भाई है, इस तरीके से हम उनके लिए, तो इसमें कौन सी बात। आप देख रहे हो सारा चीज़ किसके खिलाफ हो रहा है, जो भी चीज़ हो रहा है मुस्लिमों पर हो रहा है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग वोट नहीं देते क्या, आप लोग वोट देके सरकार नहीं बनाते क्या, आप लोग इस देश के नहीं हैं। उनके नज़र में तो यही है सर के मुस्लिम लोग जो है हमारे अगेंस्ट में, हमें वोट नहीं देते, ऐसी कोई बात नहीं। हम अगर हम वोट नहीं दें तो सरकार कहाँ से बनेगी, विधायक जब विधायक नहीं बनेंगे तो मुख्यमंत्री कहाँ से बनेंगे, हमारा वोट कहाँ गया। अच्छा अभी एक चाचा जी एक थे, कहाँ गए वो, अंदर ही है। अच्छा ठीक है, जब हमारी बात, आप भी आ जाइए ना, इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी ये पता चली कि नवरात्र का जब महीना, नवरात्र का जब समय आता है तब ये जो शॉप्स दुकानें वो ये खुद ब खुद भी बंद कर देते हैं, आप लोग मुझे बताया चाचा जी ने, हाँ खुद ब खुद भी बंद कर देते हैं। मगर एक चीज़ ये समझ में नहीं आई कि जब 2017 से पहले का कार्यकाल था, जो सरकारें थी चाहे वो अखिलेश यादव हो या मायावती हो, तब इतना प्रेशर नहीं रहता था कि आपको बंद करनी है, क्या अब ऐसा हो गया सर। जब इस सरकार से पहले पूर्व में 5 साल समाजवादी की सरकार रही, उससे पूर्व जो है मायावती बहन जी की सरकार रही, हमने कभी बंद नहीं किया। जब से ये सरकार आई है पिछले पूर्व में 5 साल से हम खुद ब खुद बंद करते आ रहे हैं। पर इस बार जो है प्रशासन के तरफ से आदेश आया है कि आपको नवरात्रों में दुकान किसी भी तरीके से नहीं खोलनी है, बंद करनी है। जी बिल्कुल, दुकानें बंद करनी है। हमने भी प्रशासन का सहयोग किया, ठीक है सर, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर है तो वो हमारे ऊपर देंगे, हमें उनका सहयोग करना बहुत ज़रूरी है। जी सर ठीक है, कुछ और लोगों से जानेंगे, आपका नाम बताइए। मेरा नाम सलीम अहमद है सर। ठीक है, अभी बस मैं ये हाल जानना चाह रहा हूँ, ये अभी दुकानें बंद हो गई, कैसे चल रहा है फिर आप? कैसे क्या चल रहा है सर, मजबूरी के हालात में जी रहे हैं और कैसे चलेगा सर, खाने के लिए पैसा नहीं है, फिर भी लोग बाग जो हैं अब घर में मन लगता नहीं है, मन नहीं लगता तो हम इसलिए शॉप पर आके बैठ जाते हैं, कुछ करना तो है नहीं, खोलते नहीं है शॉप, मगर खोलते नहीं है, आके बैठ जाते हैं क्योंकि टाइम नहीं कटेगा घर में, इतना समय कहाँ कटता है। अच्छा एक बात बताइए, शॉप्स कितनी पुरानी हैं? शॉप सर 2008 में ये मायावती की सरकार में हमें ये अलॉट हुई थी। जी सर, कितनी दुकानें हूँ ये? करीब लगभग हाँ ये मतलब नॉन वेज की, सिर्फ नॉन वेज की सिर्फ समथिंग ये समझो कि 30+ दुकानें, 30+ दुकानें आपको बता दूँ, ये सेक्टर 62 लगता है और 30+ दुकानें होंगी जो कि नोएडा अथॉरिटी की ओर से बाकायदा लीगलाइज कर रखी, मैंने आपको कागजात भी दिखा दिए। कैसा चल रहा है अभी, क्या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ा, सरकार से कुछ अपील करेंगे, कुछ बोलेंगे? जी बताइए। हम लोग दुकान बैठ के रखे हैं, बच्चे के खिलाना है, कहाँ से खिलाएं, कमाएंगे तभी तो खिलाएंगे, बस तो रोज़मर्रा के रोग है सर, ये रोज़ कमाना रोज़ खिलाना ये सिस्टम है। एक तो लोग वैसे ही आर्थिक से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं इस टाइम महंगाई से हर चीज़ से। अच्छा, उसके बाद आपको एक चीज़ और दिखा दूँ कि ऐसा नहीं है कि ये खुलेआम बेच रहे हों मीट की शॉप्स, जिस तरीके से दिल्ली में शराब की दुकानों को रोड के तरफ मुंह खोल के शॉप को खोलना अलाउ नहीं होता, उस तरीके से इन्होंने बकायदा हरे पर्दे से ढका हुआ है ताकि ये खुले में जो मीट की दुकानें हैं वो खोलना आपत्ति ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो इस तरीके से हरा पर्दा भी इन्होंने लगाया हुआ है। तो समझ सकते हैं कि क्योंकि नोएडा अथॉरिटी ने इन्हें दिया हुआ है तो अपने तौर तरीके से चलते हैं, बिल्कुल मतलब ध्यान रखते हैं कि किसी को कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। अभी फ़िलहाल आप लोगों की दुकानें बंद कर दी गई हैं, आखिरी में अगर मैं आपसे पूछूं क्या कहेंगे कुछ गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही है कि किसी के खाने पीने पे और किसी के व्यवसाय को रोकने का प्रयास न करें, ये करना सही नहीं है। लोगों को सबसे पहले तो ये है कि अगर कोई लोग शॉप अपनी बंद कर रहा है तो उससे पहले उसके लिए, उसके घर के लिए, उसके फैमिली के लिए सोच लिया जाए, उसकी फैमिली किस तरीके से चलेगी, उनके बच्चे का पोषण पालन किस तरीके से होगा, एक दुकान में 2 से 3 लोग काम करने वाले उनकी फैमिली किस तरीके से चलेगी, जो रोज़ कमाते हैं और रोज़ खिलाते हैं सबसे ज़्यादा उन पर ये दिक्कत है। इसलिए मेरे गवर्नमेंट से यही है, अपील है, विनती है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि वो इस तरीके का कभी
आने वाले टाइम में ना करें। हाँ, करने से पहले ये है कि उन्हें ये कह दिया जाए कि भाई पर्दे से करके अपने हिसाब से, ताकि किसी को आपत्ति ना हो। इतनी दुकान है, इतनी दुकान में आज ही दुकानें खोल के आप लोग आपस में डिवाइड होकर काम कर लो, ताकि किसी को आपत्ति ना हो। वैसे भी आपने देख रखा, हमने अपनी मार्केट को पहले से ही कवर कर रखा है, ताकि किसी को आने जाने से किसी भी तरीके से किसी को कोई समस्या ना हो। किसी दूसरे की समस्या, वो हमारी समस्या है, इसलिए हमारे वजह से किसी को आपत्ति ना हो। ठीक है, तो देखिए अंत में मैं एक चीज़ मैं भी यही कहना चाहूँगा, बड़ी सिंपल सी बात है, जिसको खाना है वो खाएगा, जिसको ना खाना है वो नहीं खाएगा। हिंदू समाज में भी कई सारे ऐसे जाति के लोग हैं जो मांस खाते हैं। यहाँ पर जितने लोग रह रहे होंगे, ना जाने कई हिंदू होंगे, कई मुस्लिम होंगे, कई सिख ईसाई, कई तरह के लोग होंगे, मगर अंततः एक बात यही होती है कि अगर हिंदुओं का त्यौहार चल रहा है तो वो नहीं खाएंगे। मगर अगर किसी मुसलमान को खाना है, वो अपना चाहता है कि मैं भाई आज खरीदूँ, खाऊँ, पीऊँ, मज़े करूँ, तो उनके लिए पाबंदी नहीं होनी चाहिए। सरकार को इस बारे में ज़रूर थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि उन्हें ध्यान रखना चाहिए भाई ये भी इंसान है। इंसानियत सबसे बढ़कर चीज़ होती है और इंसानियत सबसे बढ़कर होना चाहिए, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखना चाहिए। जिन्हें खाना है वो खाए, जिन्हें नहीं खाना है वो नहीं खाए, मगर किसी के कारोबार पर इस तरीके से लात मारना ये कहीं जायज़ नहीं है। कैमरा के पीछे वेद है, मेरा नाम राहुल है, देखने के लिए शुक्रिया।